हेलो दोस्तों, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है। आज मैं आपको दो नंबर के लिए, केवल दो नंबर के लिए आपको तैयार करने वाला हूं। लेकिन ये केवल नहीं है, ये बहुत ज्यादा नंबर है। आपका समय बर्बाद ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसे हम लोग जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, एमपी से दर्शाते हैं नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। पुराना नाम भी पूछता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है और इसका पुराना नाम क्या है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? यूके में। यूके यानी कि उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके, उत्तराखंड। तो आइए आपको बताते हैं इसका पुराना नाम क्या था। हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और जम्मू कश्मीर में है हम लोग का हेमिस हाई नेशनल पार्क, क्या है? जेके में, हेमिस, हेमिस हाई, हेमिस हाई नेशनल पार्क, हेमिस हाई नेशनल पार्क। अब हम लोग यूपी में अपने उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं जो कि जनसंख्या में नंबर वन पे है। आइए टॉपिक से ना भटकते हुए आपको बताते हैं कि यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है। यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। हम लोग बिहार में आते हैं और बिहार में बीएच, बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि। हो सकता है गलत लिखा हो हिंदी में, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा, मेरी वॉइस पे सुनिए। कौन सा नेशनल पार्क है बिहार में? वाल्मीकि नेशनल पार्क। हम लोग उत्तराखंड में एक और नेशनल पार्क है, इसे बोलते हैं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। बहुत ज्यादा फेमस है, यूपीएससी तक में 5 बार पूछा गया है। कोई क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट नहीं करता, लेकिन यूपीएससी घुमा फिरा के इस नेशनल पार्क को पूछा है। यूके में कौन सा नेशनल पार्क है? कौन सा? मैंने आपको बताया फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी है। ठीक, यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क केएल में, केएल मतलब केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हम लोग यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये केरल है, यहाँ पे समझिए केरल है, के और एल। केरल में कौन सा नेशनल पार्क है? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। याद रखिए साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, शांत घाटी, शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है दोस्तों? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक, तो इन दोनों से आप याद रखेंगे कि शांत घाटी केरल में, शांत रहे तो केरल में गए और गुस्सा आया, फूल वूल देखने का मन किया तो चले गए उत्तराखंड में। ठीक, मध्य प्रदेश में है पेंच नेशनल पार्क, पेंच, पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। तो आपको दोनों ऑप्शन में दे सकता है कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो हो सकता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन 90% रिसर्च का आपका कहाँ है? एमपी में। हम लोग राजस्थान में चल जाएंगे तो यहाँ पे सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, घाना नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है? यहाँ आपका राजस्थान में, सरिस्का, सरिस्का, रणथंबोर, 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 घाना, इसे घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं राजस्थान में। ये तीनों का तीनों नेशनल पार्क कहाँ है आपका? राजस्थान वाले एरिया में। यहाँ आपका राजस्थान आरएस, इसको इससे ऐड कर लीजिए राजस्थान। गुजरात में है कौन नहीं जाता? कच्छ का रण, जानते हैं बाघों के लिए फेमस, गुजरात का एक लौता जंगल जो भारत में घूमने के लिए, कच्छ का रण। यहाँ पे एशियाटिक शेर यानी एशियाटिक लायन यहाँ पे पाए जाते हैं। और फिर हम लोग थोड़ी दूरी भी आते हैं यहाँ पे, ये लद्दाख में, लद्दाख में फिलहाल अभी ऑफिशियली को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन एक नेशनल पार्क है उसका नाम अभी क्या नाम, हम लोग जो कैग है या फिर जो प्रधानमंत्री जी है कुछ ही दिन में लॉन्च करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा आपके ऊपर भी बर्डन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जानता हूँ छोटा सा दिमाग है पर बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। धन्यवाद।